हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के MIUI 12.3 Helios XT ERB के 20.11.18 Android 10 पोर्ट रोम के बारे में, जिसका यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आ गया है। लेटेस्ट फीचर के साथ परफॉर्मेंस भी पहले से बेटर आपको मिलने वाली है, साथ साथ यहाँ पे न्यू वॉल्यूम पैनल है और भी कुछ लेटेस्ट फीचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पूरे ज़रूर देखना और गेमिंग परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी यहाँ पे मिलने वाली ही है। बाकी सारी डिटेल्स आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने ज़रूर रहना लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे माय डिवाइस के अंदर, और इसके अंदर चलते हैं ऑल स्पेक्स में, जहाँ हमारी सारी डिटेल्स मिलती है। तो यहाँ पे जो है एंड्रॉइड 10 हमें देखने को मिल जाता है, और सिक्योरिटी पैच जो है 1 नवंबर 2020 की है। वर्जन जो है MIUI 12.3 by xiaomi.miui.gr 20.11.18 बीटा हमें देखने को मिल जाता है। और कर्नल इस बार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सटेंडेड का कर्नल ES न्यूकैम वर्जन 59 हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की, तो ये आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आपके काम कर रहा है, और टॉगल से ये कुछ हमें देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम पैनल जो है बिल्कुल लेटेस्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे, लेकिन जैसा कि इस वॉल्यूम पैनल में अभी लैग जैसा कि देखने को मिलता है अभी के लिए तो फिलहाल, और यहाँ पे जो है रिबूट करने के बाद साइलेंट भी हो जाता है, ये इशू अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें पावर मेन्यू की, तो ये भी बिल्कुल लेटेस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल MIUI 13 वाला आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड रीसेंट की बात करें, तो रीसेंट जैसे कि प्रीवियस बिल्ड में चेंज किया गया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वाला दे दिया गया सेटिंग में कि आप इनेबल कर सकते हैं, तो ये मिल जाता है। और रैम की अगर हम बात करें तो 1.7 या 1.8 GB करीब अवेलेबल हमें मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे ऐप बोल्ट के बारे में, तो ऐप बोल्ट भी जैसे कि आपको यहाँ पे डार्क मोड सपोर्टेड मिल जाता है ऐप बोल्ट में। और कॉलिंग की बात करें तो वोल्टी हमारे यहाँ पे काम कर रही है, वीडियो कॉलिंग भी वर्किंग है, और यहाँ पे जो है जियो पे आपका वाईफाई कॉलिंग जो है काम नहीं करता। एंड साउंड क्वालिटी तो फिलहाल ऐसे आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता देना इस चीज़ के लिए। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरे के बारे में, पोर्ट्रेट मोड हमारा काम कर रहा है, कैमरे के अंदर आपको जो AI मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे गूगल लेंस जो कि ऐड किया गया इस अपडेट में। और अगर हम बात करते हैं सेटिंग्स की, तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आपकी सेम है, 4K 30 FPS तक की मिल जाती है। और अगर आप यूज़ करते हो GCam, तो GCam यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से यूज़ कर पाओगे। ये जो है हमारा बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है पोर्ट्रेट मोड भी, और यहाँ पे जो है इसका नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग हो वो भी काम कर रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे नोट्स के बारे में, तो नोट्स के अंदर भी जैसे कि लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे इस एक फीचर ऐड किया है क्रिएट ए माइंड मैप, तो ये जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अपना टॉपिक या आप भी जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप लिख लो, और उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर इस पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो है किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके प्लस पे क्लिक करके आगे का जो भी आप लिखना चाहते हो इसके सामने आप लिख सकते हो, या फिर अलग टैगलाइन बना सकते हो इस तरीके से कुछ, तो आपको जो है बिल्कुल अलग ही यहाँ पे मिलने वाला है नोट्स इस बार, तो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा नोट्स में। और अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे भी चेंज आपको मिलता है, जो कि इसका स्लीप है, तो स्लीप के अंदर जो कि इसकी UI है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है, तो रीडिज़ाइन की गई है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे वेदर के बारे में, तो वेदर भी इस अपडेट में चेंज हुआ है इसके। अगर आप चलते हो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको मोर ऑन एयर क्वालिटी मिल जाता है, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। और इसके अंदर आप जाओगे तो आपको और भी सारी चीज़ें डिटेल्स में बिल्कुल पता चलेगी यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें डिटेल्स में। एंड यहाँ पे गैलरी आपके बिल्कुल लेटेस्ट मिलती है PDF वाली। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर भी आपका सर्टिफाइड मिल जाता है। और टूल्स के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं, तो हमारा MI मूवर लेटेस्ट मिलता है, लेकिन वही डार्क मोड वाला इशू देखने को मिलता है, जो कि ऑफिशियली फिक्स होगा। FM वर्किंग है हमारा। एंड यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, तो ये जो है हमारा यहाँ पे वीडियो क्वालिटी जो है 100 Mbps तक मिल जाती है इंटरनल साउंड। एंड यहाँ पे 30 FPS का जो आपको FPS मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें बैंकिंग ऐप की, तो बैंकिंग ऐप आपका जो है यह बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ऑलमोस्ट आप सभी बैंकिंग ऐप आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, इसमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और रोम की अगर हम इस बार बात करें यहाँ पे, तो रोम के बारे में भी हम अगर बताएं यहाँ पे, तो ऐप ओपनिंग जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो थोड़ी सी पहले से आपको बेटर यहाँ पे मिलती है एक्सपीरियंस।
और रोम भी जो है पहले से थोड़ा स्मूथ मिल जाता है। और सेटिंग में कास्ट की बात करें तो कास्ट काम कर रहा है हमारा, एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आपको कोई भी चेंजेस फिलहाल देखने को नहीं मिलता, सारी चीज़ें सेम है। और वहीं पे हमारा डिस्प्ले के अंदर भी इस अपडेट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। इसका प्रीवियस बिल्ड का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्प्ले के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं, साउंड के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। एंड यहाँ पे जो है आपका कंट्रोल सेंटर स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले वेदर देखने को मिलता था, जो कि मूव करके अभी फिलहाल नोटिफिकेशन सेट के अंदर दे दिया गया है यहाँ पे। तो यही बस चेंजेस यहाँ पे अभी मिलता है और बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलने वाली है, कोई भी चेंजेस एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड होम स्क्रीन के अंदर जो कि प्रीवियस बिल्ड में ही चेंज हुआ था, इस बिल्ड में आपको चेंज नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे अरेंज आइटम इन रिसेंट मिल गया था जो कि प्रीवियस बिल्ड में। और यहाँ पे वॉलपेपर की बात करें, वॉलपेपर आपके सेम है, यहाँ पे सुपर वॉलपेपर जो दिया गया है यहाँ पे डाउनलोडेड आपको मिल जाता है, तो अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थीम्स के अंदर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो थीम भी आपको ये यहाँ पे चार थीम मिल जाती है, इंपोर्ट आप कर पाओगे, और थीम स्टोर चाइनीज मिलता है। और फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक हमारा बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है। एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो कि मेन यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर, जिसकी पूरी की पूरी यूआई जो है रिडिजाइन की गई है यहाँ पे, तो आपको रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट ऐप बिहेवियर ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो कि अपडेट मिला है यहाँ पे, वर्चुअल आईडी ये सारी चीज़ें जो है आप ऐड कर पाओगे, और यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन फीचर जो कि यहाँ पे मिलता है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स जो कि यहाँ पे ऐड किए गए प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर। बैटरी की बात करें तो बैटरी बैकअप आपकी थोड़ी सी पहले से ज़बरदस्त यहाँ पे हो गई है, तो पहले से बेटर ही मिलने वाली यहाँ पे। और अगर हम बात करें ऐप्स की तो ऐप्स के अंदर आपका सेम है, कोई चेंजेस नहीं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज आपको मिलती है। एंड अगर हम बैक करते हैं तो रीजन आप चेंज कर पाओगे। फुल स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें तो जेस्चर भी जो है पहले से स्मूथ आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ये जो है पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो अगर आप यूज़ करते हो यहाँ पे नेविगेशन बटन या फिर जेस्चर, तो एनिमेशन लैग फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, काफ़ी स्मूथ आपको मिल जाता है ये रोम। और यहाँ पे जो है नीचे सुपर जो कि हमारा स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, जो कि बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ओके गूगल जो है वो काम यहाँ पे नहीं करता है। एंड बैक करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपको जो है सेम ही देखने को मिलती है, एसेबिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है सेम मिलती है। और अगर हम बात करें स्क्रीन टाइम के अंदर तो यहाँ पे आपको फोकस मोड देखने को मिल जाता है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे स्पेशल फीचर्स के अंदर तो यहाँ पे गेम टर्बो मिल जाता है, जो कि ओल्ड वाला ही है। एंड बाकी सारी सेटिंग्स भी आपको जो है सेम ही मिल जाती है। एंड यहाँ पे अकाउंट एंड सिंक के अंदर सोमी क्लाउड लेटेस्ट लेआउट के साथ मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंटूटू बेंचमार्क स्कोर की तो 147,792 हमें जो है स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पबजी की तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेम टर्बो हमारा जो है ओल्ड वाला ही है। और ग्राफिक की अगर हम बात करें तो जैसी प्रीवियस बिल्ड में थे उसी तरीके से है, स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट, बैलेंस पे हाई है, और एचडी पे भी हमें जो है हाई तक ही देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके वॉल्यूम बटन की लैंडस्केप पे, तो आप देख सकते हो सिस्टम जो कि यूआई जो है रिस्टार्ट हो जा रही है, यहाँ पे सिस्टम यूआई जो है रिस्टार्ट हो जा रही है इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम एक देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस वॉल्यूम पैनल में भी फिलहाल, जो कि सभी ज़्यादातर पोर्ट रोम में दिक्कत आ रही है अभी नोट फाइव प्रो के। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो कि पबजी, तो पबजी जो है पहले से काफ़ी इंप्रूव आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट तक ही इसमें मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे मिलने वाली है पहले के मुकाबले। तो इसका जो प्रीवियस बिल्ड था उससे आपको जो है यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली, क्लोज रेंज फाइट भी अगर आप करते हो तो आपको लैग बिल्कुल नॉर्मल ही होने वाला है यहाँ पे, काफ़ी हैवी लैग नहीं देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे मिल जाता है ये अपडेट, तो आपको यहाँ पे जो है गेम खेलने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर पूछना चाहते हो कि डेली लाइफ के लिए ये रोम यूज़ कर सकते हो या नहीं, तो मेरी तरफ से आराम से यूज़ करो, बस वॉल्यूम वाला जो बग है वो मेन दिक्कत है, ऑफिशियल हो तो है वो अब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसको, तो क्योंकि वो अभी जो है बीटा पे जो है उसकी वजह से जो है अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम भी आ रही है, तो अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो एंड अगर आप चाहते हो तो उस वॉल्यूम को रिमूव भी कर सकते हो, उसके लिए पैच भी आता है, तो ओल्ड वाला वॉल्यूम आप यूज़ कर पाओगे। इसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी हो ही गई है यहाँ पे, और डेली लाइफ भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो फिलहाल और कुछ तो यहाँ पे बचता नहीं अभी के लिए, तो आज की वीडियो में बस यही सारी चीज़ थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।